सिविल सर्विसेज एग्जाम या IAS एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षा कहा जा सकता है। इसका सक्सेस रेशो 0.01% है। ऐसी परीक्षा में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिबद्धता, तैयारी और किस्मत ही काफी नहीं होती है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उम्मीदवार IAS की तैयारी को अपनी जीवन शैली ही बना डाले। शुरुआत में ये बहुत बोझिल लग सकता है, लेकिन यदि आप IAS परीक्षा को क्लियर करने को लेकर समर्पित और गंभीर हैं, आपकी यही जीवन शैली आपको इस परीक्षा में सफलता भी दिलवाएगी। ऐसी जीवन शैली के लिए परीक्षार्थी में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों में ये क्वालिटी इनहेरेंट यानी कि स्वतः आ जाती है, मगर ज्यादातर लोग नियमित अभ्यास से इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका मिशन JPSC एग्जाम का क्लियर करना भी है तो आप हमारे खास YouTube चैनल मिशन JPSC को भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS बनने के लिए इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जरूर होंगे जो अपनी बात रखते समय मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब वही है, इस तरह की बातें करते होंगे। तो अधिकांश परीक्षार्थियों के पढ़ने का और बताने का ढंग ही कुछ ऐसा होता है कि उन्हें उनका समापन ऐसे ही वाक्यों के साथ करना पड़ता है। लेकिन एक बात आप अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लें कि ऐसे कंफ्यूज माइंड्स की जरूरत UPSC को बिल्कुल नहीं है। तो देश के सर्वोच्च प्रशासन को ऐसा मजबूत मस्तिष्क चाहिए जो कुछ देखे उसे वैसा ही समझे और जैसा समझे उसे वैसा ही बता सके। हिलते हुए पानी पर चेहरे की परछाई साफ नहीं बनती है, उसके लिए थमा हुआ पानी चाहिए। तो उसी तरह से मजबूत मस्तिष्क यही काम करता है और एक जादू की तरह करता है। ये जादू मजबूत इच्छा शक्ति का जादू है। तो आइए जानते हैं कि आप अपनी इच्छा शक्ति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम टेबल बनाए। अगर आप IAS परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी है। तो आपका टाइम टेबल ऐसा हो जो पढ़ाई के घंटों, आराम, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल लाइफ सभी के बीच संतुलन बनाकर चले। तो सारा समय सिर्फ पढ़ाई करते रहने से एक रास्ता आ जाती है और पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप 2-3 अलग अलग टाइम शेड्यूल बना लें जिसमें आपके पढ़ाई के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य निर्धारित हों। इससे आप अपनी तैयारी की निगरानी कर पाएंगे और जहां जरूरी हो वहां सुधार भी ला पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो परीक्षा में सफल होने के लिए ही नहीं बल्कि IAS अधिकारी के रूप में काम करने के दौरान भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की दरकार होगी। आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी जिनसे आपको नई नई तकनीकों से निपटना होगा। आपको वृहद सिलेबस को पढ़ने, टाइम मैनेजमेंट, संसाधनों, पीयर प्रेशर, समाज के प्रेशर आदि की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है, और ऐसी स्थितियों में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही आपके काम आएगा। तो नेक्स्ट इज स्वस्थ जीवन शैली। केवल काम नहीं आराम, ऐसी नीति IAS की तैयारी में कारगर नहीं हो सकती। ढेर सारी किताबों के साथ खुद को कमरे में बंद करके आज तक कोई IAS परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया है। तो आपको अपने स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो योग, ध्यान या फिर रनिंग, स्पोर्ट्स आदि के लिए भी जरूर रोज टाइम निकालें। साथ ही साथ पौष्टिक भोजन और रोज कम से कम 8 घंटों की नींद लें, परिवार के साथ समय भी बिताएं और ऐसे दोस्त भी बनाएं जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। इससे आपका फोकस बना रहेगा और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। नेक्स्ट इज प्रतिबद्धता और समर्पण। तो IAS परीक्षा में सफलता का सफर बहुत ही लंबा और मुश्किल है, तो आपकी प्रतिबद्धता ही सफर को पूरा करने में आपके काम आएगी। आपके सामने ऐसी कई चुनौतियां और समस्याएं आएंगी जिनसे आपके कदम डगमगा सकते हैं। और ऐसे भी कई युवा हैं जिन्होंने IAS की तैयारी में 5 से 7 साल लगा देने के बाद सामाजिक दबाव या फिर लगातार नाकामी के चलते हार मान ली। तो ऐसी तमाम चुनौतियों के बावजूद ये भी सच है कि हर साल मुट्ठी भर उम्मीदवार ही अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस परीक्षा को क्रैक कर ही लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको
खुद पर विश्वास हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप में समर्पण हो। तो ये प्रतियोगिता ही मुख्यतः मानसिक है। इस दंगल में हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे मस्तिष्क आपस में टकराते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी अपनी जीतें दर्ज कराते हैं। तो जाहिर है कि आखिर मानसिक क्षमता का एक स्तर तो होना ही चाहिए और उसे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए लगातार अभ्यास और संघर्ष करते रहना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी, तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।